सो अगेन 10 आइडेंटिकल टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स. 10 टैप्स जो है टैंक को 4 आवर्स में फिल कर देंगे. हमें फाइंड करना है कि हाउ मच टाइम विल बी टेकन फॉर 8 टैप्स. अगर हम लोग 8 टैप्स यूज करेंगे तो कितना टाइम लगने वाला है. सो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कोई इमेज बनाने को नहीं कहा हुआ है. सो व्हाट वी गोना डू इज वी सिंपली गोना मेक अ टेबल. इफ यू ऑल रिमेम्बर हम टेबल बनाने के लिए जिससे हम लोगों ने बनाई थी फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सेम तरीके से हम इसके लिए भी एक टेबल क्रिएट करेंगे. वी हैव टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे तो चीजें कौन सी हैं. सो इफ यू सी हमारे पास एक यहाँ पे टैब है और दूसरा हमारे पास टाइम है. 10 टैब्स एंड 4 आवर्स. सो टैब्स का एक कॉलम हो जाएगा यहाँ पे. और एक हमारे पास यहाँ पे कॉलम आ जाएगा 4 आवर्स. ठीक. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज के वी विल गो थ्रू द क्वेश्चन. सो 10 टैप्स फिल अप इन 4 आवर्स. सो अगर हम लोग 10 टैप्स यूज करेंगे यानी 10 नलके खोलेंगे तो हमारी टैंकी बढ़ जाएगी कितने टाइम में, बेसिकली 4 आवर्स में. हम टैंक से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी टैंकी को ताकि हमें ये चीज समझ में आए. देन अगर हम लोग यूज करते हैं 8 टैप्स को इंस्टेड, अगर हम लोग 8 टैप्स को यूज करेंगे सो मेरा टैंक कितने टाइम में फिल हो जाएगा मुझे नहीं पता. फॉर दैट पर्पस आई एम गोना यूज अ वेरिएबल दैट इज एस. इज दिस स्टेप क्लियर टू एवरीबॉडी? एनी डाउट्स हियर सो फार? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? अदर पीपल सबको क्लियर हो रहा है? अहमद, अली, मेहदी, खुजाइमा, आर यू ऑल क्लियर विद दिस? ओके ठीक है, फाइन, ग्रेट. यू कैन टाइप अ वाई इन द चैट इफ यू इफ यू टेल अस दैट यू क्लियर नॉट. सो आई हैव गॉट अंजना सेइंग यस, हसन इज सेइंग यस. व्हाट अबाउट अदर पीपल? आर यू ऑल स्लीपिंग और व्हाट आर यू गाइस डूइंग? आई एम नॉट सीइंग एनी रिस्पॉन्सेस. बहुत कम रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं मेरे पास. ठीक है, अब सब जाग गए. ग्रेट. ऑलराइट. सो अच्छा, अब मुझे बताएं कि टैप्स और टाइम के दरमियान कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है? हु कैन टेल मी दिस? ओके हादी, गो है. ओके, कुजायमा कह रहे हैं डायरेक्ट. Great. Anyone else would like to give your advice or your suggestions here? Hadi direct. Is direct. Hadi, what about you? You have raised your hand. Sabhi ka aapko kya lagta hai? Kehte hai ye direct hai ya inverse proportion hai? ओके, उरुज ने भी कहा, उरुज ने कहा इनवर्स है. ऑन कह रहे डायरेक्ट है. और ठीक है, ग्रेट. सबीका ने कहा इनवर्स है. अहमद भी कह रहे इनवर्स है. ग्रेट, गुड जॉब. कीप ऑन टाइपिंग मैसेज इन द चैट एज वेल, आई जस्ट लुक इट टू दैट. सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मैं जितने ज़्यादा टैप्स करूँ, अगर मैं 10 नहीं 20 टैप्स कर रही हूँ तो मेरी टैंकी जल्दी बढ़ जाएगी या बहुत देर से बढ़ेगी? जल्दी बढ़ जाएगी. अगर हम यहाँ पे देखें कि इफ वी हैव मोर टैप्स, अगर हमारे टैप्स का नंबर इंक्रीज कर रहा है तो हमारा टाइम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज डिक्रीज करना चाहिए. मतलब हमारा, लेट्स सपोज अगर मुझे, इफ आई गो बाय वॉक टू स्कूल, मुझे मैक्सिमम 10 to 15 minutes लगते हैं. ठीक है, बट इफ आई गो बाय कार इट टेक्स मी मिनिमम 2 to 3 minutes. तो यहाँ मुझे बताएं कि टाइम ने डिक्रीज किया या इंक्रीज किया? डिक्रीज किया. तो मतलब ये है कि ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है.
यहाँ हमारे पास टैब का नंबर इंक्रीज कर रहा है लेकिन टाइम डिक्रीज करेगा। जितना ज्यादा आप टैब्स इस्तेमाल करेंगे उतना जल्दी आपके पास पानी बढ़ जाएगा, तो जब जल्दी पानी बढ़ जाएगा तो आपका टाइम एक्चुअली कम हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर वी आर गिवन 10 टैब्स हियर एंड 4 आवर्स, तो 20 टैब्स के अंदर सिर्फ 2 घंटे में हमारे ये बाल्टियां या हमारे ये टैंकी सब कुछ भर जाएगा। गेटिंग द पॉइंट्स इज क्लियर टू यू ऑल? यू कैन रिप्लाई टू दैट एज वेल। सो जब हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो उसमें हम क्या करेंगे, हम आमने सामने जो है मल्टीप्लाई करते हैं। सो हम 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ यू ऑल रिमेम्बर जब हम लोग कर रहे थे, जब हम लोग डायरेक्ट प्रमोशन कर रहे थे तो उसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे इस तरीके से। तो ये बात याद रखिएगा कि जब हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन के अंदर। डायरेक्ट के अंदर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और हम लोग इनवर्स में क्या करते हैं, इनवर्स के अंदर हम लोग इनवर्स के अंदर हम लोग जो है आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे किया कि हम इसको आमने सामने मल्टीप्लाई कर लें। सो 10 4s are 40, गुड, इज इक्वल्स टू 8 into x is 8x। अब हमें इस x को फाइंड करना है, इसको फाइंड करने के लिए हम 8 को इस साइड से वहां पे ले जाएंगे। सो 40 divided by 8 is what? वेरी गुड अरहम, गुड जॉब, इट्स 5। सो 40 divided by 8 is 5, प्लस 8 5s are 40। सो x इज इक्वल टू, गुड जॉब ऑन, गुड जॉब अहमद, 5। So 5 is the answer. So in this way हम इसको सॉल्व करेंगे। Is it Miss, एक और मतलब है। Yes, go ahead. Miss, अगर देखे हम लोगों ने ये किया, लेकिन अगर इसके साथ तो एक और स्टेप भी होता था ना कि हम लोग क्या बोलते हैं, 8 को 4 से अगर हम काटते तो मिस 4 जो था वो तो 0 ही हो जाता। लेकिन अगर मैं इसको मजीद कट करना चाह रही थी मैं उसको मूवी कर सकती हूँ। आई नो दैट 20 and 4 बोथ कम इन द सेम टेबल। सो बेसिकली 2 2s are 4 एंड 2 10s are 20। तो अब हमें पता है कि 10 और 2 बेसिकली दोनों आते हैं सेम टेबल में, 2 1s are 2 and 2 5s are 10। सो इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, 2 1s are 2 and 2 5s are 10। सो दैट्स अ वेरी गुड वे, थैंक यू हादी, जिसने भी बताया, वेल डन। सो आप इसको जैसे भी करेंगे योर आंसर विल बी फाइन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम हियर? इसलिए मैंने बताया अहमद ने। अच्छा, अहमद ने बताया, सही, ठीक है, गुड जॉब अहमद, कीप इट अप, शाबाश। All right, thank you. So let's go ahead with the next question. आपको भी बहुत से तरीके दिए हैं, I'm not going to follow the book. आपको मैंने पहले बताया था कि book में काफी चीजें difficult हैं, तो मैंने इसको आसान करने के लिए ये बहुत सारे तरीके सिखाया है. So you can go with that, okay? So now let's go towards the next question. Can you all see my screen? No.
Can you all see my screen now? Yes. Yes. Okay, you can all see my screen. Is it presentable to you? Okay, I can see that you all can see it now. So let's proceed with practice now, number 8. Same question again, just a different type of it. So 4 identical taps can fill tanks in 70 minutes. Agar hum log 4 taps istemal karte hain, इससे हमारा टैंक भर सकता है 70 मिनट्स में. फाइंड द टाइम टेकन फॉर 7 सच टैप्स टू फिल द सेम टैंक. तो अगर हमारे पास 4 टैप्स हैं, उससे 70 मिनट्स में हमारा जो है टैंक फिल हो रहा है. कह रहे अगर आपके पास 7 टैप्स हो जाएं, तो कितना टाइम लगना चाहिए. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना बॉक्स बनाना है और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 कॉलम्स में. एंड देन वी विल हैव टू अलॉट ईच कॉलम विद अ वेरिएबल. तो मुझे पता है कि फर्स्ट जो चीजें पर कनेक्टेड हैं, एक तो टैप है और दूसरा हमारे पास मिनट्स हैं. सो लेट्स टैप और एक हमारे पास मिनट्स. ठीक. अब मुझे पता है कि फोर टैप्स फिल करते हैं कितने मिनट्स के अंदर, 70 मिनट्स के अंदर. और 7 टैप्स फिल करेंगे कितने मिनट्स के अंदर, आई डोंट नो. सो आई एम गोना पुट इट अप विद द एक्स. तो यहाँ पे मैं एक एक्स लगाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कितने मिनट्स में फिल करेगा. सो लेट्स पुट एन एक्स ओवर हियर. मुझे पता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, ये इनवर्स है. क्योंकि अगर मैं टैप्स को इंक्रीज करूंगी, मेरा टाइम डिक्रीज करेगा. जितने ज्यादा आपके पास टैप्स होंगे, उतना कम आपको टाइम लगेगा कि आपने टैंक्स को फिल करें. जितने कम टैप्स होंगे, उतना आपको टाइम ज्यादा लगेगा. ये ऐसी मिसाल है कि अगर आप घर में जब आपके पानी आता है, तो अगर आपके पास 2-3 जगह पे पानी आ रहा होगा, तो यू कैन फिल योर बाल्टी वगैरह एवरीथिंग वेरी क्विकली. लेकिन अगर आपके घर में सिर्फ अगर एक ही नलका है और अगर आपके पास 5 बाल्टी है, तो यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम. बहुत टाइम लगने वाला है इसमें. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हमारे पास टैप्स का नंबर इंक्रीज करेगा, टाइम डिक्रीज करेगा. टैप्स का नंबर डिक्रीज करेगा, टाइम इंक्रीज करेगा. सो वी नो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है. तो हम सामने की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 470s आर 4 × 70 is 280. Very good. Good job, Arham. And 7x is 7x. 470 is 280. Is equals to 7x. अब यहाँ मुझे इस x को अकेला करना है. For this purpose, I will have to send x 7 from here to there. So 280 divided by 7 is equals to x. So 7 ones are 7. 7 4s are is 28. So yaha hamare paas 4 aur 0 bach gaye. So I get the answer x is equals to 40. That's our answer. Good job. Good job, Ahmed. Good job, Fahad. You guys are active. Good job, Arham. देखिए चैट्स आपके पास मेन तरीका कम्युनिकेट करने का, तो आप चैट को कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं. मैं उसको रेगुलरली देख रही हूँ. ठीक है.
सो आई कैन सी कि आज की क्लास में ऑन, खुजाइमा, अहमद, क्या कहते हैं, उरूज, इसके अलावा अरहम, हादी, हमजा, हसनैन, सब एक्टिव हैं आज के दिन. दैट्स वेरी नाइस. तो आपकी आपकी जो परफॉर्मेंस है, आई कैन सी इट इन दैट इन द चैट. गुड जॉब. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम सो फार? कोई डाउट यहाँ पे? यस क्लियर. कोई प्रॉब्लम? यस हसनैन, गो अहेड, यू हैव रेज्ड योर हैंड. मिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, लेकिन मिस आप तो बराबर बराबर मल्टीप्लाई कर रही थी. मैंने बताया ना कि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा ना, तो वहां पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, जब हमारे पास इनवर्स है तो हम उसको आमने सामने मल्टीप्लाई करते. तो यहाँ पे मुझे पता है कि 4 टैब्स है और 70 मिनट्स में काम हो रहा है. अगर मैं टैब्स का नंबर इंक्रीज करूंगी तो मेरा टाइम और मजीद कम हो जाएगा. तो यहाँ पे जब एक चीज इंक्रीज कर रही है, दूसरी डिक्रीज कर रही है, इट इज एक्चुअली इनवर्स प्रोपोर्शन ओवर हियर. दैट्स व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग इट आमने सामने. समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम हसनैन? आर यू क्लियर विद दिस? नो. यस. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, नाउ लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस टू द पार्टिसिपेंट्स टू सी कि कौन कितना क्लास में मौजूद है. सुम्बुल, कैन यू हियर मी? यस मिस. ओके बेटा, कैन यू टेल मी अबाउट इनवर्स प्रोपोर्शन? इनवर्स का मतलब क्या होता है? व्हेन वन थिंग इंक्रीज द अदर थिंग डिक्रीज. एन एग्जांपल यू नो अबाउट दैट? For example, if you can share about inverse proportion. Okay, on, go ahead. एक वर्कर है जो टाइम लगा रहा है, वो भी टास्क में, वो भी अपने जो जॉब पर. ये एग्जांपल. Okay, good example. But you need to just frame your sentence again. कि अगर हमारे पास वर्कर्स हैं, तो if we have two workers, काम करने में बहुत टाइम लग जाएगा. जितने ज्यादा वर्कर्स सबके पास मौजूद हो जाएंगे, वो रिड्यूस करेंगे. सो हम भी टाइम में, वो भी टास्क में कंप्लीट करने में. गुड जॉब, गुड जॉब. सो मोर वर्कर्स, लेस टाइम टेकन. गुड जॉब अरहम. गुड जॉब ऑन, कीप इट अप. व्हाट अबाउट यू हादी? यू हैड एन एग्जांपल टू से. मिस, वी हैव मोर फ्यूल देन लेस मनी. मोर फ्यूल? यस. ओके, हाउ कैन? आप इसे समझ में नहीं आया एग्जांपल, तो एक्सप्लेन कर दो इसको. अगर ये हुआ कि ज्यादा फ्यूल होगा तो कम पैसे होंगे. अच्छा, हाँ, ये भी अच्छी एग्जांपल है कि अगर गवर्नमेंट के पास ज्यादा फ्यूल अवेलेबल हुआ, ज्यादा पेट्रोल होगा, तो उसकी प्राइस उतनी कम होगी. दैट्स गुड. लेकिन अगर डिमांड ज्यादा है ना, तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी. ये भी दूसरा फैक्टर है. बट एनीवेज, गुड जॉब, गुड ट्राई. एनीवन एल्स वुड लाइक टू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन? Okay, so let's proceed with the another question. Okay, so now can you all see my screen? Yes. Okay, so let's continue. So we have another question. If y is inverse proportion to x and y is equals to 3 when x equals to 4, find the value of y when x equals to 8. So the complex question hai, but it's not that hard. I'm just going to teach you the first part of that. Taki aapko sab kuch se kaam karna aa jaye. So first part में you can see कि if y is inversely proportional to x, तो मैं question में पहले से कह रही है कि ये हमारे पास basically ये हमारे पास inverse proportion है. So if y is inversely proportional to x and y is equals to 3 when x equals to 4, find the value of y when x equals to 8. So first part में value find करनी है. तो हम पहले क्या करेंगे?
as we have done earlier, हम अपने पास एक टेबल बनाएंगे. We'll make a table for ourselves here. और हम क्या करने वाले हैं, हम ए साइड पे एक्स लिखेंगे और सेकेंड साइड पे हम वाई लिखने वाले हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी, ये हमारे पास वाई है और ये हमारे पास एक्स है. सो द वैल्यू, कुछ वर्ड में वन टू क्वेश्चन में दी हुई है. सो वैल्यू ऑफ वाई इज 3 व्हेन एक्स इज 4. सो वाई इज 3 एंड एक्स इज 4. फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई. अब मुझे वाई की वैल्यू मुझे नहीं पता है, मुझे इसको फाइंड करना है. सो दैट इज, उसको मैं ऐसे वाई ही लिखूंगी क्योंकि हमारे पास हम वाई का क्वेश्चन डील कर रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई कंफ्यूजिंग हो सकता है. सो क्योंकि जब हमें वाई फाइंड करना है तो आप वाई नीचे लिखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो. And we have done this in the class as well. So, जब हमें y को find करना है, y मुझे लिखेंगे. And x is actually 8. So, x is 8. So, again, हमें value find करनी है y की, जब x की value 8. हमें question में दो values already given थी, कि y is equals to 3 and x equals to 4. Is this step clear to all of you? Any problem so far? Yes. समझ में आ गया सबको ये वाला part? कोई problem यहाँ पे? Yes, miss. Any other people? Anjana, Sabika, are you all clear with this? Soreb, Sumpul, Uruj, Fatima, Uruj, Amin, Rida, Jafar, Hanan, Salma, Zain, Hamza, Javed, Hadi, Ali, Mehdi, are you all clear with this? Hassan, Mustaba, Hasnan, Arham. Is it clear to all of you? Any problem? Yes, clear. Okay. So, हमें already पता है, question हमें already बता चुके हैं कि ये हमारे पास actually inverse proportion है. तो हम inverse basically क्या करते हैं, उसको हम आम समय multiply करेंगे. कैसे multiply करेंगे? So, हम 3 को जो है 4 से multiply करने वाले और हम y को जो है 8 से multiply करेंगे. ठीक है? So, हम कैसे करने वाले इसको? So 3 multiplied by 4 and y multiplied by 8. So 3 4s are is 12. Very good. Is equals to y into 8 is 8y. So, we have to find y. Ko find karne ke liye, hum 12 ko us side pe le jayenge. So yahan pe hoga mere paas 12. Upon 8 is equals to y. So हमें पता कि 8 और 12 दोनों आते हैं same table में. कब आते हैं? Very good, very good Ahmed. So 2 fours are is 8. 2 fours are is 8. And 2 6 are is 12. Again, 4 or 6 dobara saath hai same table mein. So 2 2s are is 4 and 2 3s are is 6. So it is actually 3 upon 2. So you will get the answers. So divide karenge. So let's divide this out. So niche ka number hum log likhenge bahir aur upper number likhte hum log andar. So 2 1s are is 2. Remainder mein wapas aa raha hai basically 1. हम अपना आंसर यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? इफ यू रिमेम्बर, आसमान दैट इज 1, जमीन दैट इज रिमाइंडर एंड किनारा दैट इज एक्चुअली 2. इसको अगर मजीद डिवाइड करें, ऊपर अगर आप पॉइंट लगाएंगे, यू विल हैव अ जीरो डाउन. सो 2 5 आर इज 5 10 एंड सो योर आंसर इज 1.5. सो यू कैन डू इट एनी अदर वे. You can write your answer in decimal or you can write your answer as a fraction. So, ya to aap one whole and a half likhe apna answer, ya aap 1.5 apna answer likh sakte. Is it clear to all of you? Any problems so far? Any doubts? Yes, clear.
No. Okay guys, so this was about how to calculate your answer. हमने आज से फर्स्ट पार्ट से कवर किया है. इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कोई आइडिया है इस हवाले से? एनी आइडिया अबाउट हाउ टू मेक एन इक्वेशन? No, me. सो अगेन हमें पता है कि वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स. हम अभी सेकेंड वाला पार्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें पता है कि वाई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स. तो हम कैसे लिखेंगे, वाई साइन बनाने का प्रोपोर्शनैलिटी का. आप इनवर्स शो कैसे करेंगे, वाई के बाद एक्स है तो हम इस एक्स को एज अ रेसिप्रोकल लिखेंगे. सो इनवर्स में लिखने के लिए हम दूसरे वेरिएबल को रेसिप्रोकल में लिखते हैं. इज दिस स्टेप क्लियर टू यू ऑल? एनी प्रॉब्लम सो फार? एनी डाउट्स हियर? अगर मैं आपसे कहूँ एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, तो आप एम को ऐसे लिखेंगे और साइन बनाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी का, और जी को आप इनवर्स में लिख देंगे. सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तुम कैसे करेंगे, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वाई. तो इनवर्स मतलब हम लोग रेसिप्रोकल में लिख देते हैं. आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा. सो इनवर्स में लिखने के लिए हमारा ये स्टेप होता है. फर्स्ट स्टेप हमारा ये है. सेकेंड स्टेप इज कि हम लोग क्या करने वाले हैं, दैट्स द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज कि हम रिमूव करेंगे इस साइन को, और जब हम इसको रिमूव करते हैं हमारे पास दो न्यू करेक्टर्स आते हैं. सो वन इज द इक्वल टू एंड दूसरा के. सो वाई वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू के वन अपॉन एक्स. यस. सो हमारे पास यहाँ पे दो न्यू करेक्टर्स आ चुके हैं. एक हमारे पास इक्वल टू का साइन है और दूसरा हमारे पास के. अब हम क्या करेंगे, के अगर हम देखें के और ये वन अपॉन एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो के वन जार इज के. सो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, के के अपॉन एक्स, क्योंकि के वन जार के होता है तो के अपॉन एक्स आंसर आ जाएगा. सो वाई इज इक्वल टू के अपॉन एक्स. इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है. इज इट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आ रहा है सबको ये वाला पार्ट? ठीक, ये सब कुछ वही है जो हम लोग पहले कर चुके हैं डायरेक्ट के अंदर, सिर्फ थोड़ा स्टाइल चेंज हुआ है. अब क्या होगा, हमें क्वेश्चन में चेक करना है कि हमारे पास बेसिकली जब इक्वेशन होती है तो उसके अंदर एटलीस्ट एक नंबर ऐसा होता है कभी चेंज नहीं होता है. तो यहाँ पे वो नंबर कौन सा होगा, एनी आइडिया कि व्हाट नंबर विल इट बी जो कभी चेंज ना हो? थ्री. नंबर हमारे पास एक्चुअली के, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि के बेसिकली वो वैल्यू होती है जो कभी चेंज, के इज अ वैल्यू विच विल नेवर चेंज, जो कि कभी भी चेंज नहीं होगी. तो हमें एक्चुअली के की वैल्यू को फाइंड करना होगा. के को हम कैसे फाइंड करेंगे, के को फाइंड करने के लिए मेरे पास वाई और एक्स की वैल्यू को होना लाजमी है. तो क्या मेरे पास कोई y और x की वैल्यू दी हुई है? क्या मेरे पास कोई यहाँ पे y या x की वैल्यू दी हुई है? Yes, x की वैल्यू दी गई है. हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से भी आ रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई गलती कर दें तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा. मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में y और x की वैल्यू दी हुई है कि y इज 3 एंड x इज 4, तो मैं y की जगह पे 3 लिखूंगी और फोर जगह पर एट. के इज के की जगह पे और ये फोर. अब के को फाइंड करने के लिए मैं फोर को यहाँ से वहां ले जाऊंगी. यहाँ पे फोर डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा. थ्री फोर जार इज ट्वेल्व. यहाँ पे मेरे पास के की वैल्यू क्या आ गई है, के इज 12. सो इस तरीके से हमारे पास के की वैल्यू आ गई है. इसको हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन के अंदर तो आंसर क्या आएगा, वाई इज इक्वल्स टू 12 एक्स. सो दैट्स अप विद द क्वेश्चन. इस तरीके